अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन ऑफ यू इज़ फाइन। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो लेक्चर, और आज का लेक्चर मेरा लेक्चर नंबर 44 फॉर क्लास 10, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा था उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में केमिकल कोऑर्डिनेशन के, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्पेशल केमिकल्स जिन्हें हम लोग हॉर्मोन्स का नाम देते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, और बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस क्रिएट होता है और उसके बाद जो रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सिस्टम को, और कंट्रोल सिस्टम फिर आगे मैसेज भेजता है इफेक्टर्स को। तो यहाँ पर वो जो मैसेज है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड हैं दोज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो जो अपनी सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, और वो सिक्रीशंस ब्लड के थ्रू, ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती हैं और फाइनली टारगेट टिश्यू पे पहुंच के अपना एक्शन पूरा करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे भी हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं, जिनके जो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं दोज आर ट्रॉफिक इन नेचर। ट्रॉफिक का मतलब क्या है कि उन हॉर्मोन्स का काम क्या है कि वो दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करें। उन ग्लैंड्स ने ज़्यादा सिक्रीशन करनी है, कम सिक्रीशन करनी है, इनहिबिट करनी है या स्टार्ट करनी है, तो ये हॉर्मोन्स उनको कंट्रोल करते हैं। इस तरह के हॉर्मोन्स को हम लोग ट्रॉफिक हॉर्मोन्स का नाम देते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक पी साइज्ड पी शेप्ड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है ब्रेन में। बहुत सारे हार्मोन ये रिलीज़ करता है, काफ़ी हार्मोन इसके ट्रॉफिक लेवल के ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं जो कि बाकी के ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। हमने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज़ मेड अप ऑफ टू लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की थी, और उसकी सिक्रीशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि सोमैटोट्रोफिन जो कि ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ये ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये नॉर्मल इसकी सिक्रीशन रहे थ्रू आउट द लाइफ तो पर्सन नॉर्मल है। अगर इसकी सिक्रीशन ग्रोइंग एज में बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाए तो पर्सन की बॉडी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती है, एंड इट लीड्स टू द ड्वार्फिज्म। सिमिलरली ऑन द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम, अगर बॉडी के अंदर ग्रोइंग एजेस में हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए, सोमैटोट्रोफिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए, तो बॉडी का मैसेज मिलेगा कि जल्दी और ज़्यादा ग्रो किया जाए, तो इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ गाइगेंटिज्म, जिसमें इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सिमिलरली देयर इज़ द थर्ड कंडीशन कि अगर ग्रोथ एज के बाद ये हार्मोन रिलीज़ हो तो इट लीड्स टू एक्रोमिगैली, जिसके अंदर पर्सन की ग्रोथ तो स्टॉप हो चुकी है पर इस हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से उसकी एक्सट्रीमिटीज़, उसके इंटरनल ऑर्गेन्स बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हैंड, फीट, उसके अलावा लोअर जॉ बोन। अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट वाज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वाज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक ट्रॉफिक हार्मोन है। ये थायरॉयड जो ग्लैंड है हमारे गले में प्रेजेंट है, उसके जो सिक्रीशंस हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए काम आता है, दैट इज़ वाई से हम लोग कहते हैं थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, के उनकी सिक्रीशंस को स्टार्ट करवाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, पर और वो हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के ऊपर अमल करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, जिन और इस तरह के हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने अभी बात नहीं की है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में, अगली क्लासेस में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वो क्या काम करता है, उसके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं, और वो किस तरह से एंटीरियर लोब से डिफरेंट है, क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं, यू कैन से दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, तो दोनों का अपना अपना फंक्शन है, हम दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक्चुअली इसका काम क्या है कि इट डज़ नॉट सिक्रीट बट इट स्टोर्स, ये स्टोर करता है हार्मोन्स को अपने अंदर और फिर उनको रिलीज़ करेगा वक्त आने पे, ज़रूरत पड़ने पे। तो ये कहाँ से करता है स्टोर? इट स्टोर्स टू हार्मोन्स, ऑक्सीटॉक्सिन
and vasopressin. These two hormones are stored and released by the posterior lobe, but posterior lobe does not synthesize any hormone by itself. तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर लोब की, तो इन द पोस्टीरियर लोब देर आर टू हॉर्मोन्स स्टोर्ड, दोज आर ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन. अब ये स्टोर यहाँ पे हो रहे हैं, तो सवाल ये है कि वेयर आर दे सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, ये बनते कहाँ पे हैं. ऑब्वियसली जब यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पे बन नहीं रहे हैं, तो कहीं से बन के आ रहे हैं और यहाँ पे आके स्टोर हो रहे हैं. हमने जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था, हमने इसकी लोकेशन देखी थी कि इट इज़ लोकेटेड ऑन दी हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, और ये पी की शक्ल का होता है दिस पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये जो दोनों हमारे पास हॉर्मोन्स हैं ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जो वैसोप्रेसिन है, इसका आगे चल के आप दूसरे नाम से इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग ATH का नाम भी देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के मज़ीद, पिट्यूटरी लोब के मज़ीद आप आगे फंक्शन को स्टडी करने से पहले आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है कि पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कोई भी हार्मोन को खुद से सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि ये स्टोर करता है और फिर सिक्रीट करता है ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन को. वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये वो दोनों हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट में बनते हैं, वहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर ये स्टोर कर दिए जाते हैं. जब ज़रूरत पड़ती है तब ये दोनों सिक्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द बॉडी. सो लेट अस स्टडी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैसोप्रेसिन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसोप्रेसिन की, जिसे दूसरे अल्फाज में एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है. ADH means anti diuretic hormone. So vasopressin का काम क्या है कि ये kidneys के ऊपर affect करता है to increase the reabsorption of water. Vasopressin directly affect किसके ऊपर करता है, it affects the nephrons. Nephrons क्या हैं, those are the functional units of the kidneys. ये kidneys के अंदर millions of nephrons present हैं. जिस तरह की activity nephrons create कर जिस तरह की एक्टिविटी नेफ्रॉन्स कैरी करते हैं, उसी तरह की पूरी किडनी कैरी करेगी. नेफ्रॉन्स क्योंकि उनके फंक्शनल यूनिट हैं किडनी के, हर नेफ्रॉन के अंदर वो पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल का, लूप ऑफ हेनले, उन सब चीज़ों का, और वहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, यूज़फुल मटीरियल की रीअब्सॉर्प्शन होती है, और यूरिन जो वेस्ट मटीरियल है उसको फिर आगे फर्दर किडनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है. तो जब वैसोप्रेसिन का इफेक्ट हमने किडनीज के ऊपर देखना है, तो हम लोग देखेंगे वैसोप्रेसिन का इफेक्ट नेफ्रॉन के ऊपर. तो वैसोप्रेसिन को जब रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो व्हाट इट डज इज़ इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन. इसका मतलब है जितना ज़्यादा वैसोप्रेसिन को रिलीज़ किया जाता है, उतना ही ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है. तो वी कैन से कि मोर इज़ द अमाउंट ऑफ vasopressin, it will cause more reabsorption of water. जितनी ज़्यादा वैसोप्रेसिन रिलीज़ होगा, यानी कि अगर बॉडी फेस करती है किसी ऐसे सिचुएशन में जिसमें बॉडी के ऊपर वाटर की शॉर्टेज है, बॉडी को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, तो वैसोप्रेसिन को रिलीज़ किया जाता है. वैसोप्रेसिन जाके किडनीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है और द नेफ्रॉन को एक्टिवेट कर देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करे. वेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, बॉडी के अंदर वाटर की मिकदार कम हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है वैसोप्रेसिन को. वैसोप्रेसिन क्या करेगा, इट विल गो एंड इट विल इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर.
ये कहाँ पे जाके इफेक्ट करता है? इट इफेक्ट्स द नेफ्रॉन, क्योंकि यहीं पे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही होती है। इस तरह से जो बॉडी है इट रिटेन्स मोर वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे इस सूरत हाल में जो यूरिन बनेगी दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अमाउंट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि मोर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटीरियल्स विल बी प्रेजेंट इन इट एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट। ताकि पानी को सेव किया जा सके, बॉडी के अंदर रिटेन किया जा सके, तो वैसोप्रेसिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, पहली सिचुएशन हम लोगों ने देख ली है देर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर। दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर नॉर्मल वाटर है या नॉर्मल वाटर से ज़्यादा अमाउंट में वाटर है और बॉडी को इतने अमाउंट की वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी को मतलब बॉडी को एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है, तो उस सूरत हाल में देर इज़ अ डिक्लाइन इन द सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। क्योंकि वैसोप्रेसिन का एक ही रोल है, वैसोप्रेसिन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। अब रीअब्सॉर्प्शन वाटर की हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी रोक देगी, पिट्यूटरी ग्लैंड रोक देगा वैसोप्रेसिन की रिलीज को। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन की मिकदार में कमी आ जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी हार्मोन की मिकदार। तो इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट दिस हार्मोन इन द रिक्वायर्ड यूरिन, तो उस वक्त जो एक कंडीशन कॉज करता है दैट इज़ डायबिटिस इंसिपिडस, दैट इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन। हम लोग पहले नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर नॉर्मली मोर वैसोप्रेसिन, बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज है, बॉडी को वाटर को सेव करना है, तो ज़्यादा वैसोप्रेसिन का रिलीज़ किया जाएगा ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा की जा सके। दूसरी तरफ अगर बॉडी के पास इनफ वाटर है या मोर देन इनफ वाटर है, बॉडी को वाटर से वाटर को गेट रिड करना है, वाटर से जान छुड़ानी है, तो बॉडी क्या करेगी, वैसोप्रेसिन के रिलीज़ को स्टॉप कर देगी या कम कर देगी, जिससे ज़्यादा नेफ्रॉन जो है वो ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेंगे वाटर के, वाटर वेस्ट मटेरियल के तौर पर बॉडी से निकाल दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और इस तरह से बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड जो हैं वो नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएंगे। लेकिन इफ़ देर इज़ सम प्रॉब्लम कि बॉडी के अंदर बॉडी बिल्कुल ही रोक दे हार्मोन की सिक्रीशन को, तो लेस वाटर इज़ रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड देर इज़ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटिस इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ऐसा है कि यहाँ पे एबनॉर्मली वैसोप्रेसिन की अमाउंट बहुत कम हो जाती है, वैसोप्रेसिन की अमाउंट कम होगी तो नेफ्रॉन को कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा कि वो ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन करें। अगर ऑल दो बॉडी के अंदर वाटर शॉर्टेज है फिर भी नेफ्रॉन तक मैसेज नहीं जा पाएगा, क्योंकि एबनॉर्मली लो कॉन्सेंट्रेशन है वैसोप्रेसिन की, तो बॉडी ज़्यादा को ऑर्डर नहीं मिल रहा कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करें, तो बॉडी क्या करेगी, वाटर को लूज़ करना स्टार्ट कर देगी, यूरिन ज़्यादा डायल्यूटेड फॉर्म में होगी, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगी और बॉडी के अंदर मज़ीद कमी होती चली जाएगी वाटर की अमाउंट की। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल सप्रेशन ऑफ द रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डायबिटिस इंसिपिडस। ये बात हो गई है वैसोप्रेसिन की, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये काम क्या करता है, ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को, जितना ज़्यादा वैसोप्रेसिन होगा उतनी ही ज़्यादा वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी, बॉडी के अंदर वाटर रिटेन किया जाएगा। अगर वैसोप्रेसिन के अमाउंट ज़रूरत से कम तौर पर रिलीज़ हो या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए, तो नेफ्रॉन भी रीअब्सॉर्प्शन को रोक देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो ज़रूरत का वाटर है वो भी बॉडी से लूज़ हो जाएगा और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डायबिटिस इंसिपिडस। ये था पहला हार्मोन वैसोप्रेसिन। हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड में के पोस्टीरियर लोब में दो हार्मोन्स थे, एक था वैसोप्रेसिन जिसे हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, जिसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी किया, और दूसरा जो हम लोगों ने हार्मोन देखा था दैट वाज ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन भी हाइपोथैलेमस ही बनाता है और उसको इधर स्टोर कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में, और ज़रूरत पड़ने पर पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब इसको रिलीज़ करता है। ये जो हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन, ये स्टिमुलेट करता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन मदर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। वो मदर्स दैट हु आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उस दौरान जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जो पेन स्टार्ट होती हैं, तो उस वक़्त इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस दैट एड्स दैट हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। तो दिस हार्मोन इज़ रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ताकि
चाइल्ड बर्थ में ये एड कर सके। इसी तरह से ये जो हार्मोन है इट इज़ नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। सो आफ्टर द बर्थ ये हार्मोन फर्दर रिलीज किया जाता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो सके। द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन मैनी एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। यहाँ तक हम लोग ने बात कर ली है ऑक्सीटॉक्सिन की, वैसोप्रेसिन की, पिट्यूटरी ग्लैंड की और उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ हार्मोन्स की। ये हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन बींग्स की। अब अगर हम लोग एनिमल्स में देखें तो एनिमल में एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन होता है, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर वो अपनी ग्रोथ के लिए बॉडी की शेप चेंज करते रहते हैं। लाइफ उनमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं मेटामॉर्फोसिस में। लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई हार्मोन्स। हार्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक माइग्रेशन इन बर्ड्स। हार्मोन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स पे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। चाहे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें उनके अंदर भी हार्मोन्स पाए गए हैं, चाहे आप बर्ड्स देखें, बर्ड्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ माइग्रेशन। उधर भी हार्मोन्स इस पूरी माइग्रेशन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एनिमल्स को इन हार्मोन्स की वजह से पता चलता है, हार्मोन रिलीज होते हैं तो एनिमल्स को पता चलता है दैट दे नीड टू माइग्रेट। इसी तरह से मेटामॉर्फोसिस है, यानी कि जैसे फ्रॉग है वो पहले टैडपोल है था, टैडपोल से वो जब फ्रॉग की शक्ल अख्तियार करता है वहाँ पर भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे और हार्मोन्स अपना पार्ट एक्टिवली प्ले कर रहे थे। इनवर्टिब्रेट्स में भी सेल डिवीजन जब हो रही थी वहाँ पर भी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हार्मोन्स आर एवरीवेयर। हार्मोन्स जो हैं पूरी बॉडी के मुख्तलिफ सिचुएशंस को, मुख्तलिफ कंडीशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो नॉट ओनली इन एनिमल्स बट ऑल्सो इन प्लांट्स, इन ह्यूमन बींग्स, हर तरफ जो है ये हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं और पूरी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के बारे में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।